आज हम कुकर में गाजर का हलवा बनाएंगे, बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए हलवा बनाना शुरू करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर का हमने ग्रेट कर लिए। ये करीब करीब 1.5 किलो गाजर हमने लिए हैं। उसका छिलका उतारा, उसको अच्छे से धोया, उसके बाद इसे हम ग्रेटर में ऐसे करके ग्रेट कर लिए। अब इसे हम कुक करेंगे। अब हमने कुकर चढ़ा दिया गैस पे। इसमें हम डालेंगे 1/4 कप से हाफ कप पानी, और जितने हम गाजर ग्रेट करके रखे थे वो सब हम कुकर में डाल देंगे। हमने सारे गाजर डाल दिए। आप डालेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट, बहुत ही थोड़ा सा सॉल्ट हम इसमें डाल दिए। अब इसे हम बंद करेंगे और 2 सीटी लगा लेंगे। 2 सीटी देने के बाद हमारा गैस का ढक्कन अपने आप खुल चुका है। अब हम गैस ऑन करेंगे फिर से, और इसमें अगर पानी बचा हुआ है तो उस पानी को बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। हाई हीट में चलाते हुए जो पानी बचा हुआ है उसे हम ड्राई कर लेंगे। ऐसे भी हमने पानी तो ज़्यादा दिए ही नहीं थे, पानी ज़्यादा बचा भी नहीं है, लेकिन जितना भी बचा है उसको हम ड्राई कर लेंगे। देखिए हमारा गाजर लगभग ड्राई हो चुका है। इसका जितना पानी भी बचा था वो सूख चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून घी। आप चाहे तो डालिए, ना चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। हमने 1 टीस्पून घी डाल दिए। अब इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे दूध। दूध को हम रिड्यूस कर लिए, 1 लीटर दूध लिए थे उसको रिड्यूस करके हमने 250 ml कर लिए। कभी भी आपको टाइम मिले दूध को आप धीमे आंच पे चला दीजिए, वो अपने आप 1-1.5 घंटे में रिड्यूस हो जाता है। तो इसके लिए आपको कोई अलग सा कुछ करना नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही हम दूध को, 1 लीटर दूध लिए थे उसको हमने रिड्यूस करके 250 ml कर लिए हैं। पहले ही करके रखे थे इसे हम, इसे आप पहले से भी करके रख सकते हैं या तभी तभी बना भी सकते हैं। तो मैं पहले से ही करके रखी थी, अब ये इसे हम डाल देंगे। ये अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे भी हम कर देंगे मिक्स। देखिए बहुत बढ़िया से दूध मिक्स हो गया है, थोड़ा ड्राई सा भी होने लगा है, दूध नीचे दिख भी नहीं रहा है। तो ये हमारा परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इसी टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। हम ऐड कर रहे हैं 4 टेबल स्पून शुगर। 4 टेबल स्पून शुगर हमने 1.5 किलो से भी थोड़ा ज़्यादा गाजर लिए थे। 1 लीटर हमने दूध लिए हैं। दूध रिड्यूस होके थोड़ा सा मीठा हो ही जाता है, साथ में गाजर भी थोड़ा सा मीठा देता है। तो हमने यूज किए 4 टेबल स्पून शुगर। अब शुगर के मेल्ट होने तक हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे इसको चलाते हुए। हमारे चीनी मेल्ट होके बिल्कुल इसके साथ मिल चुका है, हमारा हलवा भी बन चुका है। अब हम गैस ऑफ कर रहे हैं। गैस ऑफ करने के बाद हम इसमें डालेंगे
4 टेबलस्पून हनी, हमने चीनी से 4 टेबलस्पून ही डाले थे, उससे मिठास नहीं आएगा, तो अब हम डालेंगे हनी, 4 टेबलस्पून हनी। आपको अगर ज़्यादा मिठास पसंद है आप उस हिसाब से शुगर या हनी ऐड कर सकते हैं। आप पूरा के हनी को स्किप करके पूरा का पूरा चीनी यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हेल्दी बनाने की कोशिश करें हम, इसीलिए हम शुगर की जगह पे हनी यूज कर रहे हैं। तो हमने यूज करे 4 टेबलस्पून शुगर और 4 टेबलस्पून हनी। हमने हनी को भी अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। हनी मिलाने के बाद इसको उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ता, तो हनी भी मिक्स हो चुका है। अब हम इसे शिफ्ट करके कढ़ाई चलाएंगे। अब हम गैस पे कढ़ाई चला दिए, उसमें यूज कर रहे हैं 1 टीस्पून घी। हमने गाजर में 1 ही टीस्पून घी यूज किए थे, अब और 1 टीस्पून घी यूज कर रहे हैं। जो गाजर में यूज करे थे वो आप स्किप कर ही सकते हैं, लेकिन ये वाला नहीं करें तो ही अच्छा है। अब घी में हम डाल देंगे काजू और किशमिश, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पीस करके रखे हैं, इसको हम डाल देंगे। थोड़ा सा गोल्डन करके फ्राई कर लेंगे। काजू किशमिश हमारा फ्राई हो चुका है, अब ये घी के साथ ही जाएगा गाजर के हलवा में। ये हमारा गाजर का हलवा है, इसके ऊपर ये हमारा काजू और किशमिश जो हमने घी में फ्राई किए थे वो घी के साथ ही इसके ऊपर हम डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। तो हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा ठंडा कीजिएगा, फिर साफ कीजिएगा, थोड़ा सा वर्म गाजर का हलवा, हेल्दी भी है टेस्टी भी है। हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी टू सर्व है। घर पे बनाइए, खाइए और खिलाइए बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा।